नमस्कार साथियों, आज का दिन मेरे लिए और मेरी मित्र निधि के लिए बहुत विशेष है। सबसे पहले तो निधि, तुम्हें जन्मदिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। और खास बात यह है कि निधि का इस बीच एक काव्य संग्रह आया है, अंजुरी में उजास। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलेवर है इसका। इसका कवर पृष्ठ देखिए, इतना सुंदर है, अंजुरी में उजास। और मैंने ये कविताएं भी पढ़ी हैं, हर कविता न जाने कितनी किरणों को समेटे हुए है। तो निधि, बहुत बहुत बधाई इस काव्य संग्रह के लिए। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, कब से आप लिख रही हैं? मैं ऐसे तो जब स्कूल में थी जब से लिख रही हूँ, लेकिन फिर बीच में शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो ब्रेक आ गया। अब 8-10 साल से वापस। लेकिन हम देखते हैं फेसबुक पे लगभग हर रोज आपकी एक नई कविता होती है, इतना सारा कहाँ से जहन में आता और कैसे शब्दों का जामा पहना देती हो, बताइए। जो देखते हो, कभी कभी दिल को लगता है कि देखो ये चीज टच कर रही है, तो फिर अपने आप कलम चलने लगती है स्वतः ही। सही बात है। और एक जो कविता मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, सुनो लड़की, अपने दुख इतने हल्के मत रखना कि किसी के बेरुखे स्वर से दुखी हो जाओ। अपनी उदासी इतनी सस्ती मत करना कि किसी की उपेक्षा से उदास हो जाओ। इस तरह के क्रांतिकारी विचार आपके मैंने देखे हैं अलग अलग कविताओं में, जहाँ पे आप जो महिलाएं हैं, विशेष रूप से लड़कियां हैं, उनको आप बहुत प्रेरणा स्रोत के रूप में आप बताती हैं कि ऐसा करना चाहिए या हमें अपने स्वाभिमान से जीना चाहिए। और जबकि जब हम व्यक्तिगत रूप में आपसे मिलते हैं, आप बड़े संकोची स्वभाव की हैं, अपने मन में सब चीजें रख लेती हैं, इतना अंतर हमें क्यों दिखता है? पता नहीं, स्वाभाविक सी बात है, आपको ये आपकी सहजता है और यही आपके व्यक्तित्व की विशेषता है कि आप बड़ी प्यार से कह देती है कि पता नहीं। कई बार हमें खुद पता नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी चीजें समाहित हैं, कितनी बातें हैं जो विशेष हमें बना देती हैं। निधि, आपने ये पुस्तक जो है वो किसको डेडिकेट की है? मैंने मम्मी को और पापा को। मेरे पापा ही बहुत मुझे धक्का देते थे कि लिखो लिखो, तो उन्हीं के कहने से मैंने वापस लिखना चालू किया। तो पापा आपकी प्रेरणा स्रोत है। और एक और चीज है, ऐसा बहुत कम होता है, किसी की भी पुस्तक प्रकाशित होना और उसके बाद विमोचित होना, ये विमोचन समारोह बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मुझे पता चला कि उस समय आप अमेरिका में थी अपने बड़े बेटे के पास और आपकी अनुपस्थिति में ये विमोचन हुआ, तो इसका जो क्या कारण था कि आप यहाँ पे नहीं थी और विमोचन हुआ यहाँ? वो जब किताब आई तो मैं थी नहीं यहाँ, तो मैंने कुछ प्रतियां भोपाल भेज दी थी, तो फिर पापा के हाथों में ये विमोचन हुआ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने जो आपके आदर्श हैं, जिन्होंने आपको कहा कि लिखो और आपने लिखा, उनकी अपेक्षाओं पे आप खरी उतरी। मैं चाहती हूँ निधि, इसमें से कोई एक कविता आप अपने मुखारविंद से सुनाए, कोई भी जो आपको बहुत पसंद हो। और इस बीच वो कविता देख रही, मैं आपको बता दूं, आप लोग इनकी कविताएं पढ़ेंगे, इनकी कविताओं में जो अलग अलग स्वर है वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे दिल की बात है, हमारी अपनी ही बात है, इसलिए इनकी कविताओं में एक अपनाइयत दिखाई देती है और बहुत सुंदर लिखती है ये। तो हम लोग सुनेंगे एक कविता इनसे। जी। बुढ़ापा तुम पर अच्छा लगता है, याद है उन दिनों तुम कितने अकड़ू थे, नाक पर गुस्सा रखकर घूमते थे, लगता था बिल्कुल चिर परिचित पति की भूमिका निभा रहे हो, अपनी सत्ता के प्रति बेहद सतर्क, अपनी भावनाओं के प्रति बेहद लापरवाह। मान लेना, मना लेना या मन रख लेना तो जैसे तुम्हारी वरीयता में कहीं थे ही नहीं, उम्मीदें खड़ी खड़ी उकताती रहती, परंतु वक्त ने देखो तुम्हें आहिस्ते आहिस्ते कितना बदल दिया है। अहंकार की सरकार नहीं है अब सत्ता सौंपने लगे हो, समझने लगे हो, संतुलन बनाने लगे हो, कहने मानने लगे हो, मुंह फुलाना छोड़ मुस्कुराने लगे हो, बालों में चांदी खिली तो हृदय ने सोने का लिबास पहना है। सुनो, बुढ़ापा तुम पर अच्छा लगता है। बहुत सुंदर। तो आपको पता चला ही होगा कि किस तरह के विचार हैं और किस तरह से ये शब्दों का सुंदर जामा पहना देती हैं। निधि के लिए मैं यही कहूंगी कि तुम्हारी राहें प्रशस्त हो, तुम उन्नति के पद पर इसी तरह से लिखती रहो, आगे बढ़ती रहो। हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और आपने सच ही कर दिया कि हृदय बोला प्रीत अंतस में बसाना जानते हैं, होंठ बोले पीर को हम गुनगुनाना जानते हैं, प्रथम तो सकुचे मगर फिर यूं सजीले नयन बोले, हम धधकती आग को
पानी बनाना जानते हैं। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।